हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम मेगास्थनीज के बारे में जानेंगे। मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। इन्हें अलग अलग देशों की संस्कृति, बोली और वहाँ का कल्चर जानने की बड़ी रुचि थी और मेगास्थनीज ग्रीक के शासक सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक अधिकारी थे। निकेटर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिस कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में निकेटर को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सामना करना पड़ा और निकेटर को युद्ध में बड़ी हार मिली। तब निकेटर को लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्ती करने में ही भलाई है। भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्ती करने के बाद निकेटर को लगा कि क्यों ना भारत की संस्कृति को अच्छे से जाना जाए। इसीलिए उसने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और वो राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज को भारत को जानने में पहले से ही दिलचस्पी थी और वो सभी संस्कृति को अच्छे से जानता था। इसीलिए निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत चुना और पाटलिपुत्र भेजा। मेगास्थनीज ग्रीक से भारत के सफ़र के लिए निकला। वो काबुल, पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर और कन्नौज से प्रयागराज से होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचा। इस रास्ते को उस समय शाही सड़क यानी रॉयल रोड कहते थे और उत्तर पथ के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इस सड़क का विस्तार हुआ, जिसे हम आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत के सफ़र के दौरान मेगास्थनीज को एहसास हुआ कि ग्रीक के लोगों में भारत के विषय में जो कुछ जानकारियाँ हैं वो कुछ गलत हैं। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में अलग अलग जातियाँ हैं, मतलब बहुजातीय समाज है, और यहाँ के लोग दूसरे देश से आए लोगों का बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ग्रीक के लोग ये भी मानते थे कि भारत चारों तरफ से लैंड लॉक है, लेकिन मेगास्थनीज ने यहाँ आकर देखा कि भारत का आकार चतुर्भुज है और इसके दक्षिण और पूर्व में महासागर है। मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र पहुँचे तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका स्वागत किया और मेगास्थनीज काफ़ी समय तक वहाँ पर रहे। मेगास्थनीज ने अपने सफ़र के दौरान जो कुछ देखा जाना वो सब अपनी एक किताब इंडिका में लिखा। अपनी किताब में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे शासन, सेना व्यवस्था के बारे में लिखा है। पाटलिपुत्र को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बताया है। अपनी किताब में सिंधु और गंगा नदी का भी जिक्र किया है और पहाड़ों से निकलने वाली अनेक भारतीय नदियों के बारे में भी बताया है। भारत में मेगास्थनीज ने कई विशाल जानवर देखे जो और कहीं नहीं देखे थे, जैसे हाथी, अजगर, गैंडा, शेर, उड़ने वाले बिच्छू, बाघ और भी कई तरह के। भारत में कई तरह के फलों के पेड़ भी उसने देखे और इन सब का जिक्र अपनी किताब में किया है। सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन दिया जाता था उस समय, और राजा के शाही तौर तरीके उनके किले की सुंदरता के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि भारत के किलों के सामने यूनानी किले फीके लगते हैं और बगीचों में देसी विदेशी सभी तरह के पेड़ पौधे दूर दूर से लाकर लगाए जाते हैं। राजा के ऐश्वर्य जीवन के बारे में भी अपनी किताब में उन्होंने लिखा है। इंडिका किताब प्राचीन भारत पर लिखी पहली किताब मानी जाती है। उन्होंने सम्राट के भवन का बड़ी ही विस्तृत लेख लिखा है। भवन पाटलिपुत्र नगर के मध्य में था और चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें, किलों के अंदर बगीचे होते थे। बगीचों में कई तरह के पक्षी और जानवर पाले जाते थे। कई झीलें होती थीं जिसमें मछलियां पाली जाती थीं और सोने चांदी के बर्तन होते थे। महल को बड़ी ही सुंदरता से सजाया गया था। पत्थरों पर सुंदर सुंदर नक्काशियां की जाती थीं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में राज्य में बहुत शांति और अच्छी व्यवस्था रहती थी। अपराध कम होते थे और लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाया करते थे। भारतीय भूमि पर सोना, चांदी, तांबा और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है। टीन और अन्य धातुओं का उपयोग करके उपकरण और हथियार, गहने बनाए जाते थे।
और मेगास्थनीज ने यह भी देखा कि भारत में बहुत उपजाऊ मैदान है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, तिलहन की कई फसलें होती थीं और सिंचाई का व्यापक व्यवस्था होता था। ये भी बताया है कि भारत में अब तक कभी भी उस समय तक अकाल नहीं पड़ा है। ये भी कहा है कि भारतीय समाज अपने पेशों के अनुसार 7 वर्गों में बटा था। जैसे पहला दार्शनिक, किसान, चरवाहे, शिल्पकार, सैन्य, व्यापारी और गुप्तचर। मेगास्थनीज ने बताया है कि चंद्रगुप्त सेना की सबसे खास बात ये थी कि उनकी एक अपनी जल सेना थी जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और मेगास्थनीज ने मथुरा में कृष्ण भगवान के भाई बलराम के बारे में भी सुना। जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ये लोग हरकुलस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बलराम और हरकुलस में काफ़ी समानताएं थी, जैसे दोनों गदा लेते थे और काफ़ी बलशाली थे। और मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों के बारे में लिखा है कि यहाँ के लोग बड़े ही खुश मिजाज के होते थे, इनका व्यवहार बड़ा ही सादा होता था और सच्चाई और नैतिकता यहाँ के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। फिर मेगास्थनीज अपने देश ग्रीक इंडिका किताब को लेकर वापस चले गए। वहाँ के लोगों को इस किताब के जरिए भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। इंडिका किताब का विश्व स्तर पर काफ़ी महत्व भी है, क्योंकि इस किताब के माध्यम से ही पश्चिमी दुनिया के लोगों को भारत का सही विवरण मिला था। इसी वजह से मेगास्थनीज को द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता। और इसके बाद 290 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज की मृत्यु हो गई। तो ये थी मेगास्थनीज के बारे में जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।